हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी की वर्कशीट है। आज हम इस आपके टेंसेस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट को। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअसली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। प्रेजेंट टेंस जो इंडिकेट करता है ऐसी चीज़ों को जो बताती हैं कि काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे हर दिन, हर वीक, हर मंथ जो काम कंटिन्यूअसली होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। We use a simple present tense for anything, for happen, often, is factual। हम present tense को factual चीज़ों में use करते हैं जो काम हो रहे हैं उनमें। जैसे देखिए example में है, I get up early every morning। मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ। She plays tennis every weekend। वो हर weekend पर tennis खेलती है। Cats like milk। जो बिल्ली है दूध पसंद करती है। ये फैक्ट्स हो गए। आई लिव इन दिल्ली। हैबिट्स फैक्ट्स के साथ में हैबिट्स हो, रूटीन हो कोई। आई स्विम एवरी डे। फीलिंग और इमोशन हो तब यूज़ करते हैं। आई लाइक पिज्ज़ा। जनरल ट्रूथ हो उसमें यूज़ करते हैं। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट्स में, हैबिट्स में, फीलिंग इमोशंस में, जनरल ट्रूथ में यूज़ करते हैं। I wake up early in the morning। I wake up every day at 8 o'clock। ये आपकी हैबिट हो गई। तो इस तरह से हम हैबिट्स के साथ, देखिए यहाँ पर हैबिट्स के साथ, I always drink coffee at work। मैं काम के समय कॉफ़ी पीती हूँ या पीता हूँ। He goes to bed 11 PM। वो 11 बजे बिस्तर पर चली जाती है। They often eat lunch at school। वो प्राय लंच स्कूल में खाते हैं। जनरल फैक्ट्स के साथ, जैसे अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है। द सनराइज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में उदय होता है। वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो बलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो गए जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ। अब फ्यूचर टाइम टेबल शेड्यूल के लिए, द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM। जो फ्यूचर का टाइम टेबल शेड्यूल होता है उसके लिए, वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, क्लासेस बिगेन ऑन नेक्स्ट वीक। तो ये हो गए आपके फ्यूचर शेड्यूल या टाइम टेबल। अब हम ट्रू इन प्रेजेंट, अब ये जो प्रेजेंट में ट्रू हो, सच हो, उसके लिए। आई लिव इन वाशिंगटन DC। मैं वाशिंगटन DC में रहती हूँ। सी इज 60 years old, 60 साल की है। सी वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है। तो ये हो गया प्रेजेंट के ट्रूथ। अब देखिए स्टेटमेंट, नेगेटिव, येस और नोट, शॉर्ट आंसर। तो स्टेटमेंट क्या, आई एम एन इंजीनियर। नेगेटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा इसका, आई एम नॉट एन इंजीनियर। और अगर येस नो बोलना हो तो येस आई एम इंजीनियर, और नोट शॉर्ट आंसर होगा येस यू आर नोट, नो यू आर नोट। इस तरह से हम इन सेंटेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे ही ऐसे हैं, यू आर स्टूडेंट, इसका नेगेटिव, फिर इसके येस और नोट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर इसका कैसे बनेगा। तो इसमें आपका सारा यही दिखाया गया है, इसमें सिंपल। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ही इज इन द रूम, ही इज नॉट इन द रूम, इज ही इन द रूम, येस ही इज नॉट इन द रूम। सी इज माई मदर, सी इज नॉट माई मदर, इज शी माई मदर, येस सी इज और नोट। अगर वो आपकी माता है, यस सी इज, हाँ वो मेरी माँ है। अगर नहीं है, नोट शी इज नॉट, वो नहीं है। इट इज फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज नॉट अ कोट, यस इट इज, इट इज, इट इज नॉट। इस तरह से आपके सारे सेंटेंस बनेंगे। आगे दो और सेंटेंस हैं, तो अभी यहाँ पर देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं इसका हैबिट, फैक्ट, ओपिनियन, शेड्यूल और रेगुलर एक्शन के लिए इनका यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में जहाँ चीजें होंगी वहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर और इज एम और आर के साथ। आप ऊपर आपने देखा इज कहाँ लगा हुआ, आई के साथ हमेशा एम आता है। जहाँ प्लुरल नाउन होगी या प्लुरल प्रोनाउन होगी वहाँ पर आर होगा,
और जहाँ पर सिंपल प्रनाउन या नाउन होगी वहाँ पर इज होगा, यानी कि एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आपका आर आता है, तो आपको और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। बस आपको इसमें यही करना है, आपको इज एम आर का यूज़ करना है। राज अकेला है तो राज इज, ही सिंगुलर है ही इज, इट सिंगुलर है इट इज, ये देखिए यू प्लूरल है तो यहाँ पर आर आ गया। आई के साथ हम इन्हें ऐसे लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबरिंग से नहीं, ऐसे लेके चलते हैं। आई के साथ एम आ गया, वी है तो वी के साथ आर, दिस अकेला है दिस के साथ इज, आगे दे है तो दे के साथ वी आर, दे के साथ आर, दे मींस वे होता है, आई के साथ एम आ गया, शी है शी अकेली है, शी लड़की के लगाते हैं तो इज आ गया, आगे दैट इज अ पियानो तो ये भी इज आ गया, ये क्योंकि पियानो एक पियानो की बात हो रही है। तो इस तरह से आपकी जो इज आ रहा है को फिल करना था आपने फिल कर लिया, बड़ा ही आसान था, बिकॉज ऑफ याद रखना है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो बड़ी ही आसान सी वर्कशीट थी और इससे आपकी ग्रामर स्किल भी शार्प हो जाएगी, तो इसको कर लेना आप। आपकी हेल्प के लिए सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।